युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान यह एकादशी पैदा कैसे हुई, इसका जन्म कैसे हुआ, इसको बताइए। श्री भगवान बोले कि बहुत समय की बात है, सतयुग में मुर नाम का एक राक्षस हुआ। वह बहुत ही अद्भुत पराक्रमी था और बड़ा भयंकर था युद्ध करने में, और उस राक्षस ने इंद्र को जीत लिया। संपूर्ण देवता परास्त हो गए और हार गए, तो उसने सबको स्वर्ग से निकाल दिया और सब यहां वहां भटकने लगे। एक दिन सब देवता भगवान शंकर के पास गए। जब विपत्ति आती है तो लोग शंकर भगवान के पास भागते ही है, चाहे देवता पर विपत्ति आए चाहे मनुष्य पर विपत्ति आए, किसी के अंदर वह शक्ति नहीं है जो शंकर भगवान के अंदर है। शंकर भगवान तो विष पीने वाले हैं। देवताओं में सबसे पूछा गया, भाई समुद्र मंथन हो रहा है, जहर निकल रहा है, कौन पिएगा? सबकी हालत खराब हो गई, मेरे अंदर शक्ति नहीं, मेरे अंदर शक्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। शंकर भगवान ने कहा, अरे संसार बचाने के लिए मैं हूं ना, जहर पी गए महाराज, संसार को बचाने का काम शंकर भगवान। लेकिन जबकि शंकर भगवान का काम क्या है, संहारक है। लोग कहते हैं संहार करते हैं, जो संहार करने की ताकत रखता है ना, वही बचाने की भी ताकत रखता है। तो शंकर भगवान के पास सब गए और शंकर भगवान से कहा कि भगवान आप मेरी रक्षा करिए। अपना हाल सुनाया, हम कहा मार खा रहे, बड़ी पिटाई कर रहा राक्षस, हम यहां वहां भटक रहे, आप हम सबको बचाइए। कहा इंद्र ने कहा, देवता लोग अपने स्थान से भगा दिए गए हैं, पृथ्वी पर घूम रहे हैं और छिप करके घूम रहे, मनुष्य बन करके घूम रहे, कोई उपाय है भगवान, आप सहारा करिए शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा, देखो एक काम करो, विष्णु जी के पास जाओ और उन्हीं से प्रार्थना करो, वो जो है आपका सारा दुख दूर करेंगे। महादेव की बात सुनकर के सब लोग देवराज इंद्र इत्याद भगवान विष्णु के पास गए, क्षीर सागर, उनका उनके पास पहुंच करके हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, भगवान हमको शंकर भगवान ने मार्गदर्शन दिया है आपके शरण में आने को, आप हमारी रक्षा करिए। भगवान शंकर ने कहा क्या दुख है, भगवान विष्णु ने कहा क्या दुख है, इंद्र ने सारी बात बताई, बड़ी मारपीट पड़ रही है, भागे भागे फिर रहे, भगवान हमारी रक्षा करिए। और इंद्र की बात सुनकर के भगवान विष्णु बोले, भाई यह राक्षस रहता कहाँ है, यह है कहाँ पर, यह कौन है? इंद्र बोले कि भगवान बहुत पहले पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नाम का एक महान राक्षस पैदा हुआ, और जो बहुत ही भयंकर था। तालजंग जो है बहुत भयंकर था, और उसका पुत्र मुर नाम, उसी का पुत्र है यह मुर, जो मुर नाम का राक्षस है, यह संसार में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही उत्कट पराक्रमी है, और देवताओं के लिए तो बहुत भयंकर है। और चंद्रावती नाम की एक नगरी है, उसी में यह अपना महल बना के रहता है, समस्त देवताओं को हरा चुका है, सबको स्वर्ग से निकाल चुका है, और जो मेरी गद्दी थी उसने दूसरा इंद्र बना दिया, दूसरे को गद्दी पर बैठा दिया, अग्नि चंद्रमा वरुण और सूर्य भी उसने दूसरे बना लिए हैं। जनार्दन भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उसने एक अलग से सृष्टि बना ली है, हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए, उसने हमारे हम लोगों को गद्दी से उतार के भगा दिया है। इंद्र की बात सुनकर के भगवान को क्रोध हुआ और वो देवताओं को साथ लेकर के चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्य जो है बार बार गरज रहा है देवताओं को देख करके, और सभी देवता उसके डर बस भागे भागे फिर रहे, और जो देवता भगवान के साथ आए थे लड़ने वो भी भाग गए। भगवान विष्णु अकेले खड़े हुए, और भगवान विष्णु को देख करके
भगवान विष्णु को देख करके वह दैत्य बोला, भगवान विष्णु से कहा, अरे खड़ा रह खड़ा रह खड़ा रह, मैं आता हूं, ऐसे ललकारा भगवान को। भगवान की आंखें लाल हो गई, भगवान बोल पड़े, अरे दुराचारी राक्षस, मेरी इन भुजाओं को देख, ऐसा कह करके भगवान ने उस दानवों को मारना शुरू किया। दानव भय से व्याकुल हो गए, सब छिन्न भिन्न हो गए, सब इधर से उधर भाग गए। और जब भाग गए तो हमारे भगवान जो है जाकर बद्रिकाश्रम पहुंचे, वहां एक गुफा थी, वो गुफा का नाम है सिंहावती गुफा, जो 12 योजन लंबी थी। और उस गुफा में क्या था, एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी गुफा में गए और वहीं पर सो गए, भगवान उसी गुफा में गए और सो गए। और राक्षस जो भाग गए थे चारों तरफ, मूर भी भाग गया था, मूर ने क्या किया, जब खोजने लगा भगवान को, कहां है कहां है कहां है विष्णु, विष्णु कहां है विष्णु कहां है, ऐसा खोजते हुए भगवान के पीछे दौड़ा। और वहां पहुंच करके उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया, गया और वहां भगवान को सोते देख करके उसको बड़ा खुश हुआ कि अब तो ये सो रहे हैं, अब तो हम इनको मार ही डालेंगे। यह राक्षसों को बड़ा, दानवों को बड़ा दुख दिया, बड़ी पिटाई की, इसे मैं जरूर मार डालूंगा। देखिए जो दुष्ट शत्रु होते हैं ना, वो छिप करके वार करते हैं, वो सामने आके वार नहीं करते, वो पीछे 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 पीछे। जब आप सोए हैं, जब आप असावधान हैं, जब आपके पास हथियार नहीं है, जब आप किसी काम में लगे हैं, ये राक्षसों का ही स्वभाव है। यह राक्षस भी वैसे है, देखा कि भगवान सोए हैं, अब तो मारना बड़ा आसान है, बस सोते सोते ही इनको मार दूंगा। जैसे ही उसने आक्रमण करने की कोशिश की भगवान के ऊपर, भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हो गई। तो भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, कन्या बहुत ही बलशाली और सुंदर। देखिए लोग कहते हैं ना, लोग औरतों को बड़ा कमजोर समझते हैं, पूरा देख लीजिए हमारे सनातन धर्म में, धर्म की रक्षा औरतों ने ही किया, नारी जाति ने किया, नारी जाति ने किया, बहुत रक्षा की, बहुत रक्षा की, उनको लोग कमजोर समझते। ये तो आजकल बिगड़ गए सब, ये बॉलीवुड देखते 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 देखते, नहीं तो बड़ी शक्तिशाली औरतें हैं। तो भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, बस ऐसे शरीर से ऐसे तेज निकला और तेज से एक कन्या प्रकट हुई, और उसका बल और पराक्रम बहुत था, बहुत था। मुर ने देखा और कन्या ने देखा, और कन्या ने मुर से कहा, मुझसे युद्ध करोगे, युद्ध तैयारी हो गई, शुरू हो गया। और कन्या युद्ध में सब तरह से निपुण थी, पूरी तरह वो जो है कन्या युद्ध कला जानती थी। उसने बस एक बार हुंकार भरा और राक्षस जल गया, लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उस कन्या ने केवल हुंकार किया और राक्षस जल गया। और जैसे ही राक्षस जला मरा पड़ा, भगवान उठ के खड़े हो गए। भगवान ने देखा तो राक्षस धरती पर गिरा हुआ, जला हुआ, पड़ा हुआ था। कहने लगे, अरे ये तो मेरा शत्रु है, मुझे मारने आया था, इसको किसने मारा? कन्या बोली, स्वामी प्रभु, आपके ही प्रसाद से मैंने इस दैत्य का वध कर दिया। ने कहा, क्या कहा? भगवान ने बहुत सुंदर नाम लिया, कहा कल्याणी, संसार का कल्याण करने वाली, तुम्हारे इस किए गए काम से सारा संसार सुखी हो गया, तुम जो भी आशीर्वाद मांगो, जो भी वरदान मांगो, मैं देने के लिए तैयार। तो उस दिन क्या था, उस दिन यही एकादशी तिथि थी। उसने कहा, मैं एकादशी तिथि को पैदा हुई हूं, इसलिए मेरा नाम पहली बात एकादशी हो जाए। और एकादशी के दिन जो लोग जप तप व्रत पूजन दान करेंगे, उनको आप धन धर्म और मोक्ष दीजिएगा।
जो एकादशी को व्रत करे भगवान आप उसको धन दीजिएगा, उसको धर्म दीजिएगा और अंत में उसको मोक्ष दीजिएगा। भगवान ने कहा कल्याणी तुम जो कुछ कहती हो अब ऐसा होगा। जो भी एकादशी के दिन व्रत करेगा उसे धन भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर ऐसा वरदान पा करके वह एकादशी नाम से प्रसिद्ध हो गई और एकादशी दोनों पक्षों में, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, वो सब में भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशी का व्रत करने से धन धर्म और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी का व्रत हम लोग करें, हर महीने जो दो एकादशी आती है एकादशी करें। भगवान ने एकादशी को व्रत दिया है, धन धर्म और मोक्ष तीनों देंगे एकादशी के व्रत को रखने वाले को।